मैं इस मुख्तसर वक्त में क्या कहूं और क्या ना कहूं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हम मुसलमान कौम के असीसे बोलना आराम में कि इकबाल एक मकाम पर कहता है और बात इकबाल किसी की नहीं कहता, बात अपनी कह रहा है। बात कहा किसी की कि हजूर के रौजे पर एक दीवाना, दीवाना का माना पागल, हजूर के रौजे पर एक दीवाना रो रो के कह रहा था कि आपकी कौम जो मुसलमान कहलाती है सारी दुनिया में, अब क्या हो गया कि वो कौमी एहसास से महरूम है। तो ये बात थी इकबाल की अपनी, लेकिन शायद लोग जो ना, शायद लोग जो उल्टी सीधी बात कर दे तो उसको समझने का भी सलीका होता है ना, उसको समझना चाहिए। बड़ा मैं वो बात सुना देता हूं। कल एक दीवाना, कल की बात है कि एक दीवाना हजूर के रोजे पर द्वाश यसर पे जाकर रो रहा था कि आज हिंदुस्तान के मुस्लिम बिना मिलत मिटा रहे हैं, कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो इस एहसास से कि मुसलमान एक कौम है इससे खाली हो रहे हैं। उनके यहाँ ये ख्याल है कि हम हिंदी हैं, वो अरब है, वो अजमी है, वो पठान है, वो जब ये एहसास आएंगे तो समझो कौम गई, कौम गई। कल एक दीवाना बारगाहे नबी पे रो रो के कह रहा था, कल एक दीवाना बारगाहे नबी पे रो रो के कह रहा था कि आज हिंदुस्तान के मुस्लिम बिना मिलन मिटा रहे हैं। मैं उन लोगों शिकवा नहीं कर रहा जो करते थे, लेकिन मैं इकबाल का एहसास कहता हूँ। इकबाल का एहसास है, हम कहते हैं उसके एहसास को भी हम। तो मैंने ये चंद बातें इसलिए की कि हमें इशा की नमाज भी अपने मकसद पढ़नी है।